हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है ना? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका उर्दू क्लास है और इस क्लास में आप उर्दू पढ़ेंगे। उर्दू में आज आप सबक 8 पढ़ेंगे। बच्चों, सबक 8 का उन्वान है वालदैन की खिदमत। वालदैन की खिदमत यानी माँ बाप की खिदमत। हमें माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, इस सबक में बताया गया है। और वालदैन की खिदमत करने से हमें क्या हासिल होता है? ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाजों पे गौर करेंगे, इसके मुश्किल अल्फाजों को पढ़ना सीखेंगे और उसके माने को जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ है जन्म देना, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 देखेंगे आप, मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं यहाँ। यहाँ लिखा हुआ है जन्म देना। जन्म देना यानी पैदा करना। वालदैन, वालदैन का माने होता है स्टूडेंट्स माँ बाप। वालदैन का माने होता है माँ बाप। तमीज यानी फर्क। अलैहि रहमा यानी उन पर अल्लाह की रहमत हो। अलैहि रहमा का माने होता है उन पर अल्लाह की रहमत हो। बेशुमार यानी बेगिनती, अनगिनत, बहुत ज्यादा। फौरन यानी एकदम। मर्तबा यानी दफा। मुनासिब यानी ठीक। ओके, इस तरह से आप इसके मुश्किल अल्फाजों को पढ़ेंगे और इसके माने को ज़बानी याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए मैं इस सबक को पढ़ती हूँ। वालदैन की खिदमत। यह दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में रहने वाले तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं। सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। लिहाजा हम में से हर एक शख्स पर दूसरे के हकूक भी हैं। अल्लाह और इसके रसूल के बाद बहुत बड़ा हक माँ बाप का है। हमारी माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखकर तमाम परेशानियां उठाकर हमें जन्म दिया। जब हम पैदा हुए तो इतनी कमजोर थे कि कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, जब हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो उस समय हम बिल्कुल कमजोर रहते हैं, बेसहारा रहते हैं। हमारे पास खुद से चलने की, खुद से बोलने की, खुद से कोई काम करने की कुव्वत नहीं होती है। तो उस समय हमारे माँ बाप हमारी मदद करते हैं, हमें हर चीज देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ हमारा पूरा करते हैं और हमें बड़ा करते हैं। ठीक है, हाथ और पांव से कुछ काम नहीं ले सकते थे। हमें न अच्छे की पहचान थी, न बुरे की तमीज। हमारे माँ बाप ने हमें हर तरह की सहूलियतें दी, हमारी हिफाजत की। ठीक है, हम जब छोटे रहते हैं तो हमें कुछ पहचान नहीं रहता है, क्या अच्छा, क्या करना अच्छा है, क्या करना गलत है, लेकिन हमारे माँ बाप सब बताते हैं। ठीक है, ये अच्छा है, ये काम करो, ये अच्छा है, ये काम मत करो, ये काम अच्छा नहीं है। ये सब चीजों की तमीज हमारे माँ बाप देते हैं और हमारी हिफाजत भी करते हैं। खुद परेशानियां बर्दाश्त की मगर हमें आराम पहुंचाया। माँ बाप हमारी आराम के लिए खुद को परेशानी में डाल लेते हैं, खुद परेशानियां उठाते हैं, लेकिन हमें आराम देते हैं। अगर हम बीमार हो गए तो हमारी देखभाल की और इलाज कराए। ओके स्टूडेंट, हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, जल्द से जल्द अच्छी इलाज करवाते हैं ताकि हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। अगर हमें नींद नहीं आती तो पूरी रात जाग कर गुजार दी।
खुद भूखे रहे लेकिन हमें अच्छा खिलाया, उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, हमें पढ़ाया लिखाया। माँ बाप के हम पर बेशुमार एहसानात हैं, हम माँ बाप के एहसानों को नहीं भूल सकते हैं, उनके बेशुमार यानी अनगिनत एहसान हैं, उनके एहसानों को हम नहीं गिन सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनका हुक्म मानना चाहिए, उनका बहुत बड़ा हक है। ठीक है, माँ बाप का हमेशा कहना मानना चाहिए, उनका हुक्म मानना चाहिए, उनकी बातों को नजरअंदाज हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं हमें बहुत मुश्किल से छोटे से बड़े करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, हमारी हर ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। ठीक है, हमारी हर परेशानियों को हर मुश्किल में हमारे काम आते हैं, इसलिए हमें अपने माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। एक सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया, या रसूल अल्लाह, वालदैन का क्या हक है? तो आपने फरमाया, वही तेरी जन्नत है और वही तेरी जहन्नम। ठीक है, यानी इनकी खिदमत से जन्नत मिलती है और इनकी बेअदबी से इंसान जहन्नम का हकदार बन जाता है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपकी वालदैन जो होते हैं वही जन्नत भी हैं और वही जहन्नम भी हैं। जन्नत कैसे है? जब आप अपने वालदैन की, अपने माँ बाप की बातों को मानेंगे, उनकी हुक्म को मानेंगे, उनकी खिदमत करेंगे तो आपको जन्नत हासिल होगी। अगर आप अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं तो आपको जहन्नुम मिलेगी। ठीक है, आप जहन्नुम के हकदार हो जाएंगे। एक सहाबी ने अपनी माँ को 7 मर्तबा अपने कंधे पर बिठाकर हज कराया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या माँ का हक अदा हो गया? आपने फरमाया, अभी तो तुमने माँ के दूध के एक धार का भी हक अदा नहीं किया। ओके, तो आपने फरमाया, अभी तो तुमने माँ के दूध के एक धार का भी हक अदा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने 7 बार पैदल अपने कंधों पे चला के अपने माँ को हज कराया, तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने तो अभी माँ के दूध के एक धार का भी हक तुम अदा नहीं किया, यानी माँ का हक बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हम कुछ भी कर ले लेकिन अपने माँ बाप की हक को अदा नहीं कर सकते, उनके एहसानों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। आपने हजरत शरफुद्दीन अलैहि रहमा का नाम तो सुना होगा, वह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वह हर वक्त अपने वालदैन की खिदमत के लिए तैयार रहते। एक मर्तबा की बात है, रात में माँ ने पानी मांगा, आप फौरन पानी लेने चले गए, लेकिन जब पानी लेकर आए तो देखा कि वालदा सो चुकी हैं, जगाना मुनासिब नहीं समझा, पानी हाथ में लिए खड़े रहे। माँ की आंख खुली तो शरफुद्दीन को पानी हाथ में लिए खड़ा देखा। वालदा ने मालूम किया, बेटा जब से तुम ऐसे ही खड़े हो? आपने जवाब दिया, हाँ अम्मी जान, मैं उसी वक्त से खड़ा हूँ ताकि जैसे ही आपकी आंख खुले फौरन आपको पानी पिलाऊं। ठीक है, हजरत शरफुद्दीन अलैहि रहमा जो थे, उनकी माँ उनसे पानी मांगी, वो पानी लाने गए, उनकी माँ की आंख लग गई, नींद आ गई और हजरत शरफुद्दीन जो हैं वो पानी ग्लास में लेकर वही उनके पास खड़े रहे। ठीक है, उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा कि हमारी माँ की नींद में दखल पहुंचेगी। तो जब उनकी माँ की नींद खुलती है कुछ देर के बाद, बहुत देर के बाद, तो वो देखते हैं कि हमारा बेटा वैसे ही गिलास में पानी लेके खड़ा है। तब से
ठीक है। तो उन्होंने पूछा तब से तुम यहीं पे खड़े हो? तो उनकी बेटी ने कहा हाँ माँ, मैं तब से यही खड़ा हूँ, मैं तुम्हें उठाना ठीक नहीं समझा कि आपकी नींदों में खलल पहुंचे। बच्चे का जवाब सुनकर माँ को बहुत खुशी हुई और उन्होंने बेटे को बहुत दुआएं दी। प्यारे बच्चों, तुम भी अपने माँ बाप की ऐसी ही खिदमत करो, उनका कहना मानो। हजूर ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। आपको मालूम होगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होता है, माँ की खिदमत करने से हमें जन्नत हासिल होती है, ठीक है। और जो बाप हमारे जो बाप होते हैं उनके कदमों के नीचे जन्नत का एक दरवाजा होता है, इसलिए हमें माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे तो हम परेशानियों में पड़ेंगे, हमें दुनिया में भी परेशानी उठानी पड़ेगी और आखिरत में भी, हमें आखिरत में भी जन्नत हासिल नहीं होगी, ठीक है, हम जहन्नुम के हकदार बन जाएंगे। इसलिए बच्चों, माँ बाप की कहना हमेशा मानना चाहिए, जैसा वो कहे वैसा करना चाहिए, उनकी बातों को नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। यानी जो शख्स माँ बाप की खिदमत करेगा अल्लाह उससे खुश होगा और आखिर में इसे जन्नत अता फरमाएगा, ठीक है। जो शख्स, जो इंसान माँ बाप की खिदमत करते हैं उससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, और जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं उससे अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं, ना खुश हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला ना खुश हमसे हो जाएगा तो फिर हम कुछ हमारा खराब ही होगा, ठीक है, हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अल्लाह को खुश रखना है तो अपने माँ बाप की खिदमत करना है, इससे खुदा भी खुश रहेगा और माँ बाप भी खुश रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका सबक 8, वालदैन की खिदमत। तो अभी आप इस सबक को गौर से पढ़िए और इसके मुश्किल अल्फाजों को जबानी याद कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं और इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके मश्क को पूरा करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग पूरा करेंगे। तो अभी आपका क्लास मैं यही खत्म करती हूँ। बाय, खुदा हाफिज़।